कैसी लगी फिल्म बोला बोला तो पहली बात तो रीमेक है कैति की, पर मैं बोल सकता हूँ कि अजय देवगन सर ने रीमेक किंग ही है। उनको तो एक्शन देवगन बोलते हैं बहुत लोग, पर अभी मैं बोलता हूँ रीमेक किंग है, क्योंकि ऐसे इंसान है जो रीमेक को जिस तरह से बनाते हैं ना, माइंड ब्लोइंग बनाते हैं। और यहाँ पे बोला स्टोरी तो हमको पता थी क्या थी, पर जिस तरह से प्रेजेंट किया अजय देवगन सर ने रीमेक को, माइंड ब्लोइंग। सोया कैथी के बाद मुझे ये देखना था ये मूवी की अजय सर कैसे बनाएंगे। सोया फाइनली एक मूवी विद एक्शन, बहुत ज़्यादा एक्शन, क्योंकि ये एक्शन कुछ अलग लगा बाकी मूवीज़ के कंपैरिजन में कहूँ, क्योंकि इसमें वो जितना खून हड्डियाँ सब देख ली तो बड़ा अच्छा लगा। तो ये ऑडियंस स्ट्रीट स्टाइल है, तो जो अच्छा लगता है लोगों को देखने के लिए वो सब है, मास एलिमेंट्स है। एक अलग त्रिशूल वाला जो सीन हमने ट्रेलर में देखा वो ऑन अ डिफरेंट लेवल लगता है देखने पर। एक्शन माइंड ब्लोइंग, मतलब गुजबंस वाले एक्शन। लोग बोलेंगे कि मतलब कोई को लोग बोलेंगे कि कुछ ज़्यादा ओवर एक्शन बता दिया है, ट्रोल करेंगे। भाई ट्रिपल आर में तो एनटीआर ने तो बाइक उठा के भी एक्शन किया था, फिर उन्होंने ताली सीटी मारी थी, तो ये तो कुछ भी नहीं। और हमारे अजय देवगन सर की पिक्चर में ऐसे एक्शन ना हो तो पिक्चर पिक्चर जैसी नहीं रहती, तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है वही। जी मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी भोला। आई थिंक मैंने इसका ट्रेलर देखा तो, बट मैंने इतना एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतनी अच्छी होगी। मतलब एक्शन सीन्स आर माइंड ब्लोइंग और इतने फिनोमिनल, और उनकी जो इंटेंस लुक है वो देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब 100 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने कर ली अजय देवगन में, और अभी डायरेक्शन में भी शिवाय देखिए, रनवे 34 देखिए, मतलब हर मूवी में वो अलग अलग अपना वो दिखा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त 3D में देखकर आई हूँ, इट्स रियली इंजॉयबल। स्टंट्स, बाइक स्टंट्स वगैरह, एक्शन जो आपने आप देखोगे ना आपको बहुत मजा आएगा। बोलूंगा मैं Yes. जैसे गजराज जी हो गए, फिर दीपक दीपक जी है, दीपक डोगरेयाल yes. वहीं संजय मिश्रा जी है जिनका पॉजिटिव कैरियर, क्या कहना चाहेंगे इन सभी एक्टर्स को, कितना जस्टिस दे पाए हैं अजय देवगन उनके कैरेक्टर। हाँ पहले बात तो अजय देवगन सर को बोलोगे, आपने जिन जिन लोगों को मतलब काम नहीं मिलता इंडस्ट्री में, आपने पिक्चर में सबको काम दिया, इसके लिए मैं बोलोगे अजय देवगन सर बोले तो बहुत ही सही इंसान है कि दूसरे का मतलब दूसरे को काम नहीं मिलता उनको काम देते। और यहाँ पे दीपक जिनको लास्ट मैंने शायद से बागी 2 में ही देखा रहेगा, वो जो लंगड़े कैरेक्टर कर रहे थे तब जाके अब भी देखा, क्या परफॉर्मेंस है। मैं तो कहीं ना कहीं जो मेरे अजय देवगन के भारी गिर रहा है एक्टर, बोले अजय देवगन बोले मैंने किसको ले लिया भाई, मेरे को भारी गिरा रहे। जो एक्टिंग कर रहे विलन के, मतलब उनको देख के गुस्सा आ रहा है, मतलब एक विलन को देख के गुस्सा आना चाहिए ऑडियंस को, वैसे उन्होंने एक्टिंग करके दी है, क्या एक्टिंग की है। फिर प्लस जेल के अंदर एक है जिनका नाम याद नहीं आ रहा, उनका मैंने बहुत सारे पिक्चर, यस विनय पाटिल, ओ यार उनका तो आवाज़ इतना भारी रहता है और उनकी आँख माइंड ब्लोइंग। फिर बाद में और भी एक विलन है जो मतलब पुलिस वाला कुछ तो रहता है, वो भी उनका भी नाम है, वो एक्चुअल में वो एक बदायूं में भी थे वो, यस यस तो वो भी थे, तो उन्होंने भी अच्छा काम किया है। तब्बू की बात करूँ, तब्बू तो मतलब अजय देवगन की खासी, मतलब असिस्टेंट ही हो गई है समझ लो, हर 2-3 पिक्चर में आते ही है, मतलब साल में एक पिक्चर तो करना ही उनको। तो यहाँ पे तब्बू ने जो रोल किया, पहले तो ऐसा लगा दृश्यम का पुलिस का रोल कर रहे हैं, ऐसा फील हुआ मेरे को, बोला ऐसा नहीं था। फिर बाद में जिस तरह से उनका जो केमिस्ट्री बनता है, अक्षय बोल रहा अजय देवगन और उनका, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। और अजय देवगन सर की एंट्री, आँखों में जब उनकी एंट्री आती है ना, फ्लैट उधर उधर ही सीटियाँ ताली मारना मचता ही है। फिर इंटरवल के बाद जो त्रिशूल वाला शॉट आता है, सबसे गुजबम वाला एक्शन सीन वही है, सबसे बेस्ट पार्ट। यस क्लाइमेक्स में रिवील, अभी कैसे ये रिमेक है लोकेश सर की मूवी की, जो अपनी यूनिवर्स बना रहे, पर अजय देवगन यहाँ पे अपनी यूनिवर्स बनाने वाले, वो अभी विक्रम नहीं बनाने वाले, बहुत बोल बोले अरे अभी अजय देवगन विक्रम की रिमेक बनाएंगे, पर ऐसा नहीं है। कैति में किसी का कैमियो नहीं था, यहाँ पे भाई ने कैमियो भी लिया है, यहाँ पे वो कौन थे वो भी बहुत बड़ा सस्पेंस है कि वो 10 साल क्यों जेल में गए, बहुत कुछ बताने वो भी सेकंड पार्ट में बताएंगे, टू बी कंटिन्यूड। तो मैं बोलेगा पब्लिक को बोलेगा आप पार्ट 1 जाओ, ऐसा मत सोचो कि रीमेक है तो क्या करने, आप उन ओरिजिनल देख लेंगे। भाई ने जो प्रेजेंट किया है ना, आपके होश उड़ जाएगा। और क्लाइमेक्स तो सीन थोड़ा था ही थी, पर जब टाइटल आता है डायरेक्टर वजह, उसके बाद जो कैमियो आता है वो इंसान का, मैं बोलेगा यार जिस इंसान को हम ट्रोल करते हैं एक्टिंग नहीं आता है, उनको भाई ने क्या एक्टिंग करवा दिया है, क्या लुक दिया है, माइंड ब्लोइंग बोले तो यार सच में, आउटस्टैंडिंग।
ओवरऑल ना 5 में से 5 बनते हैं, क्योंकि मेहनत दिख रहा है, क्योंकि अजय देवगन ने ए रीमेक को बहुत टाइम लिया बनाने के लिए, और जिस तरह से प्रेज विजुअल्स बहुत अच्छे से। हाँ, पर अजय देवगन एक बात बोलेगा, 3D में नहीं बना रहे वो भी चलता, क्योंकि 3D जैसा कुछ था ही नहीं। मतलब वो एक दो सीन जो इंटरवल के पहले जो एक दो सीन था ऐसा 3D जैसा दिखता है, जैसे कि उनकी आँख होगी वो भी 3D में बताया, एक बाइक का सीन वो भी 3D में। बाकी मेरे को ऐसा लगा त्रिशूल वाला सीन भी 3D में रहेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, और नॉर्मल हम लोग को भी थिएटर में जाके देख सकते हैं। पर फिर ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी अच्छे खासे प्रेजेंगे, 5 में से 5 बनता ही है। वेलकम वेलकम। दृश्यम में हमने उनको टक्कर का रोल करते हुए देखा, यहाँ पे दोनों साथ में ही है, सपोर्ट कर एक दूसरे को, तो काफी अच्छा लगा। मतलब दोनों की जो जोड़ी है ना वो बहुत ही सुपर डुपर हिट रहे, तो उनको साथ में देखकर ना डबल ही मजा आ जाता है, अच्छा लगा देखकर। दीपक दोबरियाल की मैं खास तारीफ करना चाहती हूँ, यू नील्ड योर कैरेक्टर, आपने जिस तरीके से अपना रोल निभाया है ना, ऐसा रोल आपका पहले देखा ही नहीं है, क्या अवतार दिया है, क्या रोल दिया है आपको, यू रियली नील्ड योर कैरेक्टर, खा गए आप अपने रोल को, जबरदस्त। ओके, एक सरप्राइज एलिमेंट के साथ में फिल्म खत्म होती है, कितनी बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं? अरे बहुत, स्पेशली मैं तो देख के दंग रह गई कि अरे यार ये कैसे हो गया, मतलब मैं शॉक हो गई। तब तो सेकंड पार्ट का और इंतजार है, तब देखते हैं अजय सर सेकंड पार्ट कब लाते हैं, लेट्स वेट। ओवरऑल फिल्म पैसा वसूल है? पैसा वसूल है। अगर आप देखो, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हम साउथ मूवीज जब RRR आई थी, KGF आई थी, तब हमने उनके एक्शंस को बहुत पसंद किया। रॉकी भाई हमारे हथौड़ा लेके सबको मार रहे हैं, RRR में बाइक स्टंट्स आप एंजॉय कर रहे, तो यहाँ पे भी वही है, तब जाके देखो आपको और मजा आएगा देखने के लिए। हम बोलते हैं कि बॉलीवुड के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आके देखो। अभी आपने पठान को प्यार दिया, अब भोला को भी प्यार दो, एंड अजय देवगन सर इज द सिंगम ऑफ बॉलीवुड, उनके डायरेक्शन में कभी कोई कमी नहीं रहती, तो यहाँ पे भी वही है, 10/10 मेरी तरफ से। थैंक यू, इसको काफ़ी पसंद आएगा। अलग है, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी नहीं है, इसमें कुछ सीन्स है जहाँ पे बैक स्टोरी भी दिखाई गई है जो कैथी में नहीं दिखाई गई थी। क्लाइमैक्स सीन जो ओरिजिनल में रात को शूट हुआ था, यहाँ दिन में हुआ है, तो वो विजुअल्स भी काफ़ी अलग थे। तो हाँ, मैं कह सकती हूँ अलग है, तो ये देखनी चाहिए मूवी और आनी चाहिए, ऑडियंस थिएटर तक आएगी इस मूवी के लिए, आई एम श्योर। हमेशा, आई डोंट नो हाउ दे डू दैट, दृश्यम से लेकर अभी भी, एंड एज अ कॉप तब्बू मैम, तो उनका जो कमांड है एज अ वो ऑफिसर बनती है, वो एक अलग ही लेवल का होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। विलन संजय मिश्रा जी तो कॉप बने थे, विलन मुझे दीपक डोबरियाल अच्छे लगे, बट हाँ उनको बहुत कम फ्रेम मिला है, बट ठीक है, देखते हैं। अभी एक और बड़ा विलन आ रहा है सेकंड पार्ट में, उसको देखने में मुझे बड़ा मज़ा आएगा, आफ्टर सो मेनी इयर्स साथ होंगे अजय एंड अभिषेक, सो या। ओके, सरप्राइज फैक्टर जो एक दिया है लास्ट में, आपको रिवील नहीं करना चाहिए, कर दिया, सॉरी। अब तो बहुत ज़्यादा बेसब्री हो रही, क्योंकि वो जो दिखाया है लास्ट में उन्होंने कि हाँ अभी कैरेक्टर नहीं बदला है, तो ओके, हम मैं बहुत उत्सुक हूँ देखने के लिए, सम ईगली वेटिंग कि सेकंड पार्ट कब आए। 4/5, या उनका टैलेंट दिखा रहे हैं जी, ना सिर्फ अजय देवगन बल्कि विवेक जी का भी जो लुक है, या फिर मैं दीपक टोपियाल, बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी के लुक पर एक अलग यू नो काम किया गया है, इसके बारे में क्या? देखिए, ऑल द एक्टर्स यू नो देयर लुक्स आर यूनिक, एज यू सेड, दीपक डोबरियाल हमेशा कॉमेडी करते हैं, तो वो कॉमेडी के साथ इस बार उनका नेगेटिव रोल है, और वो पहले तो पहचान ही नहीं है कि दीपक डोबरियाल है, और ऑल द रोल मतलब रोल्स आर सो वेल एच्ड, गजराज राव का रोल इतना अच्छा है, संजय मिश्रा का भी इतना बढ़िया रोल है, तो सब अपने अपने रोल में एक अमिट छाप छोड़ गए, इनडेलिबल मार्क दे हैव लेफ्ट, एंड वो आपके जहन में रहेगा इवन आफ्टर यू हैव लेफ्ट द मूवी। एक्शन सीन्स इतने माइंड ब्लोइंग है, सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी है असीम बजाज की, एडिटिंग बिल्कुल क्रिस्प है, 2.25 घंटे की मूवी है, धर्मेंद्र शर्मा की एडिटिंग, डायरेक्शन तो एज ऑलवेज बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छे हैं, और कैथी जो तमिल मूवी थी, कैथी मीन्स प्रिजनर, उसका ये एडेप्टेशन है, रीमेक नहीं बोल सकते क्योंकि मैनी सीन्स हैव बीन रिक्रिएटेड, और वीरू देवगन जो जिनके सुपुत्र हैं अजय देवगन, ही विल बी रियली प्राउड इन हेवन कि उनका बेटा वही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है जो बाकी फिल्म मेकर्स नहीं, और ही इज़ क्रिएटिंग मैजिक ऑन द बिग स्क्रीन, और 3D इफेक्ट्स भी इतने अच्छे हैं, और वो स्लो मोशन में बाइक वाले स्टंट्स, कॉम्बैट्स, एवरीथिंग इज माइंड ब्लोइंग। एक सरप्राइज एलिमेंट जो क्लाइमेक्स में दिया है कि जी, वेट कर
बहुत ज़्यादा आई थिंक ऑल थ्रू द मूवी दे वे ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, सीटियाँ तालियाँ बज रही थी, एक मास एंटरटेनर जिसे बोलते हैं। और लास्ट में अभिषेक बच्चन की वो लुक देख के ऑब्वियसली हम लोग को बहुत एक्साइटमेंट हो गया कि हाउ इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पार्ट। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखिए मुझे टब्बू की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी और सभी एक्टर्स की बहुत अच्छी लगी, सो आई विल गो विद 3.5 स्टार्स। थैंक यू। इन द फिल्म ओके, अगर मैं बात करूं विलन की, तो विलन के कैरेक्टर में दीपक डोगरियाल, विनय पाठक जी, साथी गजराज जी, किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा लाइक ऐसे ऐसे हीरे उठाए जिन्होंने कभी विलन का रोल किया नहीं एंड उनको लाके ऐसे दिखा दिया इस फिल्म में, लाइक हर फ्रेम में ऐसा लगता है कुछ अलग ही हो रहा है। दीपक डोगरियाल ऑब्वियसली स्टैंड आउट करते हैं, बट उनके अलावा गजराज राव नेगेटिव कैरेक्टर और वो जो शेड थे उनके बहुत अलग लगे। ओके, कैथी से कितनी अलग आपको लगी है ये फिल्म? अगर मैं आपको कैथी कहीं ना कहीं अगर हम देखने जाए तो वो रॉ है, कैथी की कैथी छोड़ दिया हमें ओपन एंड क्वेश्चंस पे, बट यहाँ पे ये कंप्लीट एक अलग फिल्म है। इसका एक्शन परफेक्ट लगा एंड जिस हिसाब से लोग ने VFX लिए वो भी कहीं ना कहीं अच्छे थे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। कोई अच्छा कैमियो पसंद आया फिल्म के अंदर? वो तो स्पॉइल करना हो जाएगा अगर कैमियो फिल्म के अंदर बोलूंगा तो। चलिए ठीक है, लेकिन काफी लोगों को पसंद था, लेकिन ठीक है आपने बोला कि मतलब कैमियो है अच्छा। अरे बहुत अच्छा, लाइक वो लोग ने छोड़ा है एक आगे नेक्स्ट फिल्म के लिए या फिर जो भी वो लोग बनाएंगे उसके लिए अच्छा खासा छोड़ा। अब डिपेंड करता है क्या जिस तरीके से क्लाइमेक्स को एंड किया है इन्होंने, जो एक सरप्राइज एलिमेंट दिया है, कितनी एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है आपके लिए, जो आप एक्साइटमेंट बोलूँ तो मैं वेट नहीं कर सकता। फर्स्टली पेशेंस इज नॉट माई वर्च्यू, बट जिस हिसाब से वो देखा रुकना तो पड़ेगा अभी, लाइक कुछ अलग है। क्या कहेंगे अजय देवगन के बारे में, उनकी एक्टिंग के बारे में और जिस हिसाब से उन्होंने डायरेक्शन किया? अजय देवगन एज एन एक्टर एंड अ डायरेक्टर दोनों में एक्सेल करते हैं कहीं ना कहीं, फ्रॉम शिवाय टू हियर। उनकी आंखें जो एक्ट करती है, उनके फ्रेम्स परफेक्ट लगता है, उनकी एक्टिंग बोलो एक्शन बोलो इज गुड। मतलब आप स्पीचलेस हो गए, कितने स्टार पास में? 4।